कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो आगे 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 है, देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। जहाँ भी लेके जाएंगे आपको दिखाएंगे कहाँ लेके जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं होटल, आगे आए हैं और अपने ऑर्डर के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं ना, देख रहे हैं। मेरी इतनी है कि आपको मैं बता नहीं सकती, मेरी हालत ऐसी हो रही है, एक बार मुझसे ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो रही है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी कलकत्ते में जितनी अब पड़ रही है। क्या बोलिए? हाँ वो बोला है मटन कस्ता बोला है और रोटी बोलती है। एसी में बैठे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा कुछ नहीं लग रहा, अभी भी ख़राब लग रहा है, थोड़ी देर बाद अच्छा लगेगा जब हवा लगेगी। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तुमको अच्छा नहीं लग रहा? पंखे चलाओ ना, पंखे को थोड़ा हवा लगे बदल में, हवा लगेगा तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। चल रहा है बस ठीक, थैंक यू थैंक यू। अब आई ठंडी हवा, अब अच्छा लगेगा जरा। गर्मी बहुत है, इसी में आई थे पूरे कपड़े सिले। गर्मी है बहुत ज़्यादा और मतलब उसके बारे में बताता आपको पहले, लेकिन यहाँ पर देर हो गई है, रख दूँ इसे। रास्ते पर बताता हुआ था आपको या पहले से बनाते प्रोग्राम तो बताता, लेकिन यहाँ तो अचानक से हम लोग निकले आए थे कुछ और अब यहाँ हम लोग आए थे लेने के लिए। हमारी छत जो है वो थोड़ी ख़राब हो रही है, यानी हर दो साल ढाई साल में पुरानी बिल्डिंग है तो उसको छत जो है वो बारिश वारिश होने से पानी छूने लगता है। गरीब लोग हैं हम तो उसको रिपेयर करा लेते हैं, रिपेयर कराने की नियत से ही निकले थे हम। उसको छत डलती है, मिस्त्री आया था देख के गया, उसको बोला कि वो छत डलेगी और उसका लिक्विड आता है पेस्ट वो डाल के उसको छत डाल देते हैं, तो वो आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। तो अब यहाँ इतनी गर्मी थी कि फिर हम लोग बोले चलो आलिया में, होटल का नाम है आलिया रेस्टोरेंट, बहुत कदीमी होटलों में से एक है कलकत्ते के, मैंने बहुत पुराने होटलों में से और मतलब बहुत अच्छा लाजवाब होटलों में से पुराने, जो बहुत सारे रेप्यूटेड होटल हैं कलकत्ते के मुगलाई खानों के लिए, उनमें से एक हमने आपको दिखाया था रॉयल, एक ये है, एक साबिर है जो आपने देखा है हमें एक दोबारा देखा है। तो ये सब पुराने बड़े कदीम और बड़े नाम वाले होटल, तो खाना इसका बहुत अच्छा है, मटन वगैरह इसका बहुत बढ़िया है, बिरयानी भी ठीक है, ग्रेवी आइटम अच्छे हैं इसके, जैसे स्टू है, पुना है, कलिया है, जो कुछ मटन के होते हैं नाम है। हम आ गए हैं, आपको दिखाएंगे जब आएगा कुछ। गर्मी बहुत है वैसे, हद से ज़्यादा गर्मी है, मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर तो 40 के आसपास होगा मेरा ख्याल है, लेकिन
जो फील करा रहा है वो 354 फील करा रहा है। कभी तभी जानते हैं पसीने बहुत आते हैं, तभी तो चीज़ निढाल हो जाती है कि आपका पूरा पानी निकल जाता है बदन का, शाम तक ऐसा लगता है जैसे आपको निचोड़ के फैला दिया। तो वही वाले हालात पानी से देखिए कितना बच सकता है। क्या आपको निचोड़ के फैला दिया। हम लोग तो फूड ब्लॉगर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी इधर दो चार बार वीडियो हमारे जो खाने पर ही हैं। इतफाक़ के जहाँ हम जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता कि बना के आपको दिखा पाए, तो फिर जहाँ रिलीफ के लिए होटल में जाते हैं वो आपको जो भी खाते हैं। उस दिन भी रॉयल हम गए थे बगल वहाँ बड़ी मस्जिद के बाद दूसरे एक काम से, तो वहाँ ये हुआ कि पहले हमने आए थे नहीं खाया, तो हमने जो है ले लिया, ले करके हम लोग ने खा लिया वहाँ पर। हम गए थे रमज़ान में वहाँ पर, तो हम खाना ही खाने गए थे वहाँ पर, तो वहाँ जा नहीं सके थे। इस दफ़ा गए तो खाली था, तो चले गए। लेकिन वो बहुत तारीफ भी करे खाना, बहुत मज़े का था, वाकई में बहुत अच्छा था। यहाँ का बुरा देखो खाको, ये भी बहुत मज़े का है। ये सारे कदीमे और अच्छे होटल हैं कलकत्ते के, जो बहुत नाम है कलकत्ते। जब आता है वो फिल्म स्टार है विलन शक्ति कपूर, उसको बहुत फेवरेट है ये। हाँ, वो लोग आके ठहरते हैं ग्रैंड में, तो यहीं आते हैं, मतलब उसका फेवरेट है। तो रेगुलर आता है। और एक और वो आशीष विद्यार्थी, वो भी विलन है हिंदी फिल्मों में, सब में देखती हूँ। वो भी आता है कलकत्ते को, यहाँ एक चक्कर मारता है, मतलब हर चार छः आठ दस ब्लॉक के बाद जो कलकत्ते का बनाता है तो आलिया का बनाता है। वो आता है तो मैंने देखती हूँ ना, इसे खाने का मतलब बहुत शौक है। एक बार जाता है, एक बार जब वो आया था शक्ति कपूर यहाँ पर, तो हुआ ये था कि वो बाहर मारपीट हो गई देखने की, बहुत कंजस्टेड इलाका है, टाइट था, गर्म करला है और ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो यहाँ भीड़ तो लगेगी, रास्ता है पूरा। क्योंकि कहीं बोलूँ ना बिरयानी लोग तुम लोग हाउस में ले लेंगे बिरयानी लोग आदमी ले। ये बिरयानी करवाई है मटन चिकन, मटन डबल पीस दे दें, सिंगल पीस का राइस भी ज़्यादा होगा, डबल पीस होगा। चावल ज़्यादा नहीं थे, चावल नहीं ज़्यादा नहीं, नहीं। तो एक प्लेट मटन की बिरयानी देते, एक तो पीस दे दें अलग से, एक ही पीस लगी पहले देखते हैं, जो खबर भी देखा जाए खाली जो तर हो बढ़िया हो पीस। तो मैं बता रहा था कि शक्ति कपूर के देखने के लिए मारो गए, ये हालात है। और यहीं पर पास में वो भी है टीपू सुल्तान मस्जिद, एक दिन उसका ब्लॉग भी दिखाऊंगा आपको। वो जो है वो बादशाह टीपू सुल्तान जो थे उनके छोटे लड़के ने बनाया था,
टीपू सुल्तान को तो वहाँ कत्ल कर दिया गया था, और उनका जो परिवार था उनकी अहलिया, उनकी वाइफ और उनके बेटे, उन लोगों को मैसूर से निकाल दिया गया था श्रीरंगपट्टनम से, तो वो यहाँ आ गए थे कलकत्ते। यहाँ आकर के कलकत्ते में उन्होंने दो मस्जिदें बनाई। एक धर्मतला कलकत्ते में और एक कॉलीगंज बोल के जगह है धर्मतला कलकत्ते में, तो इन शाला वो भी दिखाऊँगा आपको एक दिन किसी ब्लॉग में, वो भी दिखाऊँगा। उसका खाना इसका सच कुछ बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद खा रहा हूँ मैं, मेरा खा करके आप 10 साल तो हो ही गए, असल बहुत दिन नहीं खाता हूँ। ये भुना है ना, इश्टू है, इश्टू मेरा लगता बहुत ही, मैंने कभी खाया नहीं ऐसा अच्छा, बहुत ही मज़े का अच्छा। हम भी घर में बनाएंगे मगर इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। ये इसी के लिए मशहूर भी है, इश्टू के लिए और बिरयानी के लिए ये मशहूर है। कलकत्ते में तो मतलब हर होटल में अगर आपकी बिरयानी अच्छी नहीं होगी फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो लगभग लगभग सारे ही होटल जो है बिरयानी बनाया नहीं, अभी मैंने खाया नहीं। पूना तो बहुत मज़े का था इसका, बिरयानी खाते देखते हैं कैसा आएगा बिरयानी, आपको कैसे लगे? अच्छी अच्छी बनाते हैं। हाँ पूना जब इतना अच्छा है तो बिरयानी भी अच्छी होगी खाते। कलकत्ते की बिरयानी तो अच्छी होती है, और आप जब अच्छे होटल में खाएंगे तो और अच्छी होती है। एक तो बिरयानी खाते फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। ये आपने अंतिम कहानी सुनी या वन द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में से है, आपको एक बार वो टीपू सुल्तान भी दिखाऊंगा मैं। अब सर कलकत्ते जो लोग आते जाते हैं वो जानते हैं टीपू सुल्तान कहाँ है, मगर जिनको नहीं मालूम हो, जो लोग कलकत्ते नहीं आए हैं उनको दिखाऊंगा मैं, और उनको ये भी बता दूंगा इतिहास पूरा उसका किस तरह से है। तो बहुत आइडेंटिकल है, दो मस्जिदें हैं, दोनों एक जैसी लगेंगी, लगेगा जीरो कॉलीगंज में। और जिस तरह से हर मुसलमान अदारे का हाल होता है तो बदहाल और बर्बाद रहता है, कोई हाल इसका भी है। अच्छा,
लगा कि बिरयानी उसके आगे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इस्टू बहुत अच्छा है क्योंकि इस्टू का जो मज़ा मुँह में था ना बिरयानी का नहीं आया। बिरयानी अच्छी थी मगर बोलते हैं ना जो चीज़ पहले खा लो उसका मज़ा रह जाता है मुँह में। स्कूटर लेने क्योंकि हम लोग ने स्कूटर वहाँ खड़ा कर लिया चाचा के घर के सामने। पैदल गए थे स्कूटर में क्यों नहीं गए आप उस तरह वहाँ तो खड़ा करने की थी जगह। नहीं खड़ा करने की जगह नहीं है। नहीं है पार्किंग तो वहाँ पार्किंग नहीं थी तो हम लोग ने वहाँ खड़ा कर दिया था गाड़ी तो अभी हम जा रहे हैं। पुदीना का शरबत पीने का मतलब पी लेते हैं पुदीने का शरबत भी। शरबत ठंडा ठंडा पी के अच्छा लग रहा है। गर्मी से हालत खराब हो रही बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। इतनी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी कलकत्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो टेलर ने टेलरिंग नहीं था जो हमारे कपड़े का होता जिसे देना है वो नहीं था। 300 रुपये मिल जाएगा तो अच्छा है।